गुड मॉर्निंग सब भाइयों को, पिजन लवर एकेडमी में आप सब भाइयों का स्वागत है। भाइयों बहुत मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि आंखें आ रही है, जुकाम लग रहा है कबूतरों को, उसके बाद लकवे की बीमारी आनी शुरू हो गई है, कबूतर उल्टियां कर रहे हैं, कई जगह पे बारिश का मौसम आ गया है, कबूतरों को खांसी भी लग रही है। तो भाइयों ये साइट आप देख लो, मेडिसिन जरूर वेंडेक्स एन है, बट आप प्रॉपर ध्यान से ये साठ देख लीजिए। आपने साठ लेना है, अगर आपको दवाई नहीं भी मिलती ना तो आप गौर से डॉक्सीसाइक्लिन एनियोमाइसिन पाउडर, जिस भी दवाई में ये दोनों चीज़ें ऐड है वो चीज़ें आप वही मेडिसिन लेके आएंगे। एक चुटकी 20 कबूतरों को देना है भाइयों। लॉफ्ट साफ रखो, जोड़े अभी 15-20 दिन रुक के डालिए। सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 15 जुलाई के बाद जोड़े डालने का सोचिएगा, और ये मेडिसिन ला के रखिए। खांसी जुकाम रेशा आँखों में पानी आना, पॉट रुक जाना और लकवे की बीमारी आ रही है, तो भाइयों ये एक चुटकी आपने, एक बड़ी चुटकी आपने 20 कबूतरों के लिए उतना पानी रेडी करना है जितना कबूतर पी जाए सुबह शाम, प्लस मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक। बिना मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक के भाइयों कोई भी कबूतर ठीक नहीं होने वाला आपका। मैं आपको पहले बता दूँ, अकेले दवाइयों से कोई कबूतर नहीं ठीक होगा जब तक आप जी बिल्कुल। ये नियोडॉक्स फोर्ट भी कई लोग कहेंगे ये वही मेडिसिन है। साठ आप ध्यान में रखिए, साठ आपने ये लेके आना है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड नियोमाइसिन जिसमें होगा, ये अभी से लेके तकरीबन ज़्यादा बारिश का मौसम शुरू होता जा रहा है वहाँ अभी से लेके ये मार्च तक आपका यही पाउडर चलेगा। खांसी आए, जुकाम आए, रेशा आए, यानी सर्दियों में भी यही दवाई आपके काम आने वाली है। भाइयों इसको पैकेट ले आइए और इसको खोल के आप एक डब्बी में, जो एयर टाइट डब्बी होती है उसमें सारा पाउडर डाल दीजिए और सूखे हाथों से निकाल के इसे यूज़ कीजिए। हर पैकेट की 2-3 साल की वैलिडिटी आराम से मिल जाती है, और दवाई का यूज़ ज़रूरत के हिसाब से कीजिएगा, बिन मतलब में मत कीजिएगा। 5 दिन का कोर्स आप करवाइए, 5 to 7 days, और अगर आपके कबूतर ठीक नहीं होते तो 3 दिन के बाद फिर से 7 दिन का कोर्स करा दीजिए। पर जितनी मेडिसिन बताइए उतना यूज़ करें, एक चुटकी 20 कबूतरों के लिए, प्लस मल्टीविटामिन 5 ml 100 bud, लीवर टॉनिक 5 ml 100 bud। शुक्रिया भाइयों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।